तो चलिए दोस्तों, क्या यस बैंक विदेशी बैंक बनने वाला है? क्या क्या यस बैंक बिकने वाला है? क्या यस बैंक को जापान के बैंक खरीदने वाले हैं? यस बैंक खतरे की घंटी, यस बैंक बनेगा जापानी बैंक। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जापान खरीदेगा यस बैंक को और यस बैंक बिकने वाला है। शेयर पर क्या होगा असर? या फिर से 50 जाएगा या फिर 16 आएगा? यस बैंक बोर्ड में बंजूरी, यस बैंक में बनेगा अंबानी, बनेंगे प्रमोटर। भाई कुछ भी। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था। यस बैंक को मैं फॉलो करता हूँ, यस बैंक की बहुत सारी मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं चलता हूँ ऑफिशियल मतलब न्यूज़ की वजह से। मतलब अभी अगर NSE पे कोई भी यस बैंक अपडेट दे देगा ना, मैं आपको 10 मिनट के अंदर वो अपडेट दे दूंगा। लेकिन ये जो उड़ती उड़ती खबर होती है ना, ये मेरे कवरेज एरिया से बाहर, क्योंकि मैं हर बार न्यूज़ चैनल पे निगाह गड़ा के नहीं बैठ सकता, या फिर मैं हर बार वेबसाइट ढूंढने के लिए इतना मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे मैसेज आ जाएगा तो मैं वीडियो बनाता हूँ यस बैंक की, ठीक है ना? और कोई भी ब्रोकरेज रिपोर्ट, ये सब वो सब रिपोर्ट होती है, रिजल्ट डेट वोट आया तो मैं आपको सबसे पहले बताया, ठीक है ना? ये सब। अब देखिए जो मेन क्वेश्चन है ना, और एक बात आप लोगों का भी धन्यवाद भाई, कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर जो वीडियो बना चुके हैं यस बैंक पे कि बिकने वाला है, 17,000 18,000 लोग देखे हैं, सभी लोगों को पहचान भी रहे हो, एक ऑनलाइन कमाई है, एक यहाँ पे हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट, बड़े बड़े चैनल है, फिर भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि क्या क्या करें, बेच दें क्या करें, सच में बिक जाएगा? तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद कि मुझे उस काबिल समझ रहे हो आप लोग, कि मेरी भी सलाह आप लोगों को चाहिए। देखिए सीधा सीधा कहें कि ये न्यूज़ पहले क्या है, देखिए ये न्यूज़ जो अभी मैं बता रहा था कि ये न्यूज उड़ती उड़ती वाली न्यूज है, क्योंकि ऑफिशियल मैं आके यहाँ पे अपडेट देख रहा था, तो 8 अप्रैल 2024, सबसे पहले ये देखिए 8 अप्रैल की न्यूज है, मतलब लास्ट अपडेट कंपनी ने 8 अप्रैल को दिया था। 8 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल, 6 दिन, मतलब 1 वीक में इसका कोई भी अपडेट नहीं आया है कंपनी की तरफ से, मतलब कंपनी की तरफ से कोई भी अपडेट एक्सचेंज को नहीं दिया गया है। सीधा सीधा ये क्लियर हो गया। अब ये न्यूज निकल के कहाँ से आई? तो देखिए न्यूज निकल के तो आई है, यहाँ पे कई सारे वेबसाइट लिखे हैं, तो अब तो पता नहीं कि मेन वाली वेबसाइट कौन सी है, लेकिन सबसे पहले तो अगर हम लोग देखेंगे तो CNBC आवाज पे ही इसका एक वीडियो भी फ्लैश कर रहा है और इसका एक आर्टिकल भी शो हो रहा है, और इसी में बताया गया है कि मतलब यस बैंक का विदेशी बैंक बनने वाला है। तो इसी न्यूज का रेफरेंस लेके सभी यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, कुल मिलाकर जैसे कि मैं भी बना रहा हूँ और आप लोगों की डिमांड पे बता रहा हूँ। अब हो क्या रहा है ना कि जापान के बैंकिंग दिग्गज MUFG और MBC, ये दो बड़े बैंक हैं, और दोनों बड़े बैंक जो हैं वो मेजोरिटी मतलब टोटल बहुमत वाली हिस्सेदारी लेने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यस बैंक में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बोली लगाने पर विचार कर रहे हैं। अब देखिए ये दो बैंक हैं जो जापान के हैं सही में, और ये दोनों मतलब हिस्सेदारी खरीदने हैं वाले हैं यस बैंक में, ये मतलब विचार कर रहे हैं, मतलब उनका मानना है कि जो लिख रहा है उसका मानना है कि विचार करें, और सूत्रों के हवाले से मनी कंट्रोल को ये बताया गया है। तो सूत्र का मतलब क्या होता है कि देखिए सूत्र का मतलब यही होता है कि कंपनी के जो कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, या फिर कह लें कि इस कंपनी के नहीं तो वो जो जापान की ये दो कंपनियाँ MUFG है और SMBC है, ये दोनों के मतलब कोई एम्प्लॉय या फिर थोड़े बहुत बड़े वाले जो जिनका रीच उतना होता है बैंक में कि मतलब गुप्त न्यूज निकालने के लिए, तो वही सब होते हैं सूत्र, ठीक है ना? अब देखिए अब उनके बात पे तो उतना विश्वास कहा नहीं जा सकता कुछ की क्या। हालांकि देखिए जब भी कोई न्यूज आती है तो देखिए वो तो एकदम नकारा भी हो सकती है कि सीधा वो सीधा गलत कह ले उसको, या फिर हो सकता है कि हाँ न्यूज है थोड़ी बहुत तो सच्चाई है उसमें, लेकिन पूरी तरह से सच्चा नहीं। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जो आप लोग समझे हो, कि एलन मैक्स जो है ये वोडाफोन आइडिया को खरीदने वाले हैं, वोडाफोन आइडिया में जो है मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीदने, ये वाली न्यूज अभी उड़ती उड़ती आई थी वोडाफोन आइडिया में 1-1.5 महीने पहले। अभी जो एक बार विजिट किए थे एलन मैक्स प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए, कुछ मीटिंग थी, उसके बाद फिर से आने वाले हैं, फिर से वही न्यूज दोहराई जा रही है कि वोडाफोन आइडिया को फिर से जो है एलन मस्क खरीदने वाले हैं। तो ये उड़ती उड़ती खबर। उसमें फिर एक नई न्यूज ये भी आई थी कि वो तो यस बैंक में हिस्सेदारी नहीं खरीदेंगे, यस बैंक सॉरी वोडाफोन आइडिया में जो CAGR बकाया का स्टेक 33% भारत सरकार के पास है, वो सीधा मोदी जी से ही स्टेक खरीद लेंगे 33% जो सरकार के हिस्से, तो वो बिल्कुल उड़ती उड़ती खबर थी। देखिए उसका बेस तो है कि चलिए हाँ ठीक है, लेकिन जब वो सही न्यूज होगी तो मार्केट में आएगा, और उस वजह से वोडाफोन आइडिया में
एक दिन तो 20% का सर्किल लग गया था और दूसरे दिन फिर से 10-12% ऊपर था और वही हाई बनाया, उस हाई को फिर से ब्रेक नहीं किया। तो जब भी कोई न्यूज आती है तो उसका एक बार इम्पैक्ट हो जाता है कि बड़ी तेजी आ जाती है, लेकिन फिर वो न्यूज जब जब भी पता चलता है कि वो उसका कोई बेस नहीं है, सब काम खत्म है, तो फिर वो जो है फिर से उसके नीचे आके वही स्टेट कर रहा है। उसी तरह की ये न्यूज है। तो अब उस वाली न्यूज का क्या असर हुआ था, वही सेम टू सेम न्यूज है, बस कंपनी का नाम बदल गया है और खरीदने वाले का नाम बदल गया, बस दो नाम बदल गया है, बाकी सब कुछ ठीक। अब देखिए कहा जा रहा है, इसका रेफरेंस में एक चीज और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये कंपनी दिवालिया हो रही थी या फिर डूबने के कगार पे थी, तब इसको SBI के कंसोर्सियम ने जो है इसको बचाया था, जिसमें कई सारे बैंक मिलके अपना अपना स्टेक इसमें खरीदे थे और इस कंपनी को बचा लिए थे, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो थी वो यस बैंक में थी। मेरा पेंसिल किधर गया है भाई, पूरा बकवास कर गया, पेंसिल ही नहीं है मेरा। देखिए तो मतलब सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो 26% के आसपास नीचे दिख भी जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, और 2020 में यस बैंक जब डूब रहा था तब इन सब ने बचाया था और अपनी अपनी हिस्सेदारी लेके इस बैंक को मतलब डूबने से बचा लिया था, बैंक स्टेबल हो गया तो ठीक है, बच गया कुल मिला के बैंक। अब देखिए अब इसमें 51% हिस्सेदारी, देखिए कोई बड़ा प्लेयर आएगा तो उसको 51% हिस्सेदारी चाहिए ही चाहिए। 51% हिस्सेदारी के लिए क्या चाहिए ये यहाँ से भी मैं बता सकता हूँ, यहाँ से भी बता दूंगा, हालांकि यहाँ पे लिखा है तो यहीं पे देख लेते हैं। 69,762 करोड़ का इसका जो है टोटल वैल्यू बन रहा है, मतलब मार्केट कैप बन रहा है। इसमें 51% हिस्सेदारी के लिए लगभग लगभग 35,500 करोड़ रुपये के आसपास इन सबको लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेक 26% SBI के पास है, और वहीं पे जो संभावित बिक्री कर सकती है, मतलब सीधा सीधा कहा जा रहा है कि SBI तो मेन बेचेगी ही बेचेगी, और इसके साथ वाले बैंक जो है जो जिसमें कई सारे बैंक हैं, ये HDFC है, ICICI है, कई सारे बैंक हैं, वो सब भी अपना अपना हिस्सेदारी बेच सकते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए इसमें जो है ना, यह हालिया सौदा RBI की मंजूरी पर निर्भर है, मतलब जो भी एक चू से चा तक भी होगा ना तो उसमें चाहिए RBI की मंजूरी, और RBI की मंजूरी मतलब कि हो गया 2 साल, ठीक है ना। RBI की कोई भी एक छोटी से छोटी मंजूरी वो नाप तौल के अच्छे से देख के सोच के समझ के परख के ही वो देंगे, नहीं तो जिनके हाथ में भी बैंक है ना, SBI के ही हाथ में समझ लीजिए है, तो कोई बहुत बुरे हाथ में नहीं है, बढ़िया हाथ में है, ठीक है ना। तो देखिए बिकेगा, अगर बहुत बड़ा नाम निकल के सामने आएगा तो उससे तेजी होती है। अब वो अभी भाई कुछ बोल रहा था, देखिए वहां पे थंबनेल था कि नहीं, कि अंबानी खरीद लेंगे शेयर को, तो है इसका भी बेस है क्योंकि अंबानी है प्रमोटर, जियो फाइनेंशियल उधर फाइनेंस सेक्टर में अपना कदम जमा रही है, और वो भी अपना स्टॉक खरीद लेंगे 50%, तो जियो फाइनेंशियल क्या हो जाएगा कि जियो फाइनेंशियल में एक बैंक भी आ जाएगा। और इस बैंक को देखिए, बैंक खरीदने के लिए क्यों उतावले होते हैं, क्योंकि इतना सारा जो लेना पड़ता है इन लोगों को जो है परमिशन ना, वो एक बैंक को पुराना डूबते हुए बैंक को खरीदने से सारे परमिशन मिल जाते, मतलब यस बैंक के पास सारे परमिशन है जो एक बैंक को चाहिए। तो एक बैंक किसी को परमिशन नहीं मिला, उससे अच्छा है कि एक बैंक को ही खरीद लो और टोटल टोटल। तो ये दोनों न्यूज का बेस है, लेकिन ये अभी तक कोई भी ऑफिशियल नहीं हुआ है, तो ये अभी तक, हाँ ये भी हो सकता है कि यस बैंक बिके लेकिन आज न बिके, 1 साल के बाद बिके, 2 साल के बाद बिके, तो क्या इस न्यूज की वजह से आप 2 साल खरीद के रखोगे, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है, अभी इतना सब कुछ जल्दबाजी में नहीं हो सकता, अगर बिकेगा भी ना तो बिकते 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 1 साल लग जाएगा मेरे हिसाब से, जैसा कि मतलब मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। न्यूज़ है, न्यूज़ के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों को क्या करना है, टेक्निकली क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जो आपको मैं बताया था कि यहाँ से 2 लाइन बन रही है, अगर इसी लाइन को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा यहाँ से, और ये मैं पिछली वीडियो में समझाया अभी था, और ये लाइन इधर से हो जाएगी, मतलब इस लाइन के अगर ऊपर जाके सस्टेन करता है तब तो इसमें तेजी की संभावना बनेगी, और फिर ऊपर की साइड में वही 40 रुपये, इस तरह से मैं आप लोगों को टारगेट बताया हूँ। नीचे एक सपोर्ट बताया हूँ, नीचे क्या सपोर्ट है, 22 रुपये 70 पैसे का। देखिए 22 रुपये 70 पैसे के अगर नीचे ये जाता है, 22 रुपये 70 पैसे 80 पैसे है सीधा, उसके नीचे जाके डेली कैंडल क्लोज करता है, तो एक बार के लिए आप लोग इसमें से एग्जिट कर सकते हो, फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वही सीधा 20 रुपये पे, और 20 रुपये अगर बाई चांस ब्रेक कर देता है तो और ज़्यादा गिरावट होगी। अब एक बात और ध्यान दीजिए, अभी इसराइल और ईरान के बीच युद्ध हो गया है, इधर से 300-400 मिसाइल इन्होंने मार दिए, उनके जो है वो
दूतावास पे उन्होंने हमला किया था, एक मिसाइल मारी थी इसराइल ने, उसी के जवाब में इन्होंने 300-400 मिसाइल जो है इसराइल पे। अगर ये युद्ध हो जाता है, अगर इसराइल फिर से यहाँ से अटैक कर देता है ईरान पे, तो ये बड़ा सा एक युद्ध बन जाएगा और फिर इसके वजह से सारे के सारे शेयरों में गिरावट आएगी। तो जो छोटे मझोले शेयर रहेंगे उनमें से निकलने की कोशिश करिएगा, और उसी में से एक यस बैंक भी है। तो अगर ये न्यूज सही निकलती है, मतलब इसराइल फिर से अगर अटैक करता है, यहीं पर मैटर सब क्लोज हो जाता है, तब तो ठीक है, नहीं तो यस बैंक को भी एक बार मेरे हिसाब से बेचने की सलाह रहेगी। तो देख लीजिएगा, और ठीक अभी कंडीशन है, लेकिन वही थोड़ा बहुत भी अब गिरावट हुआ, मतलब 4%, 5%, 6% इस तरह से, तो फिर ब्रेकडाउन नीचे एक साइड में हो जाएगा और फिर गिरावट बड़ी आ सकती है। 20 रुपया पहला सपोर्ट बनेगा और इसको नीचे ब्रेक किया तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट भी आ सकती है। तो देख लीजिएगा, मेरा व्यू फिलहाल में थोड़ा सा तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कल अगर ज़्यादा गिरावट होती है तो इसमें मेरा सेल का भी व्यू रहेगा। हालांकि मैं बहुत पहले से बता के रखा हूँ आप लोगों को कि इसमें यहाँ से गिरावट मतलब आने वाली थी और आई भी है, ये बहुत पहले से बताया हूँ, आप लोग पीछे भी मेरी वीडियो देखे होंगे तो पता चलेगा। तो देख लीजिएगा, इस न्यूज का मुझे कोई बेस नहीं दिख रहा है। हाँ थोड़ा बहुत है, देखिए कोई भी न्यूज जब उड़ाते हैं उड़ाने वाले ना, तो उसका कुछ ना कुछ देख के ही कनेक्शन मिलाते हैं, ठीक है ना, ताकि विश्वास हो जाए। ऐसे थोड़े कहते कि नहीं ये खरीद लेगा तो सब विश्वास करें, नहीं कुछ उसका कनेक्शन रहेगा तभी वो लोग न्यूज अफवाह कह लें एक तरह से फैलाते हैं। तो ये तो एक तरह से अफवाह ही है, विश्वास मेरे हिसाब से ज्यादा करना नहीं चाहिए, ठीक है।